टाइम पर जाके पर्स मिला मुझे एंड भागते भागते आया बस स्टेशन में भागते भागते। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है इधर अब, और आगे जाके और भी ज़्यादा ठंड बढ़ने वाला है क्या भैया? भाई मैं चोरों से एकदम सावधान रहता हूँ भाई, कौन आदमी क्या है क्या पता किसे। मदद कर रहे हैं मेरा एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। श्रीनगर लद्दाख की ओर चला जाता है एंड यहाँ पे हमारे बस वाले ने रोका है। हम लोग जा रहे हैं पुलिस चेकिंग के लिए चेक पोस्ट पे, क्योंकि ये नाका है तो यहाँ पे एक एक बॉडी को चेक किया जाता है। Hi guys, once again welcome back to the channel. Hope you guys are all doing good and fine. आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फाइनली आज हमारा ट्रिप स्टार्ट होने वाला है, जो कि पटना से जम्मू कश्मीर जाने वाला है, वो भी बाई ट्रेन। एंड इस ट्रिप में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई। लिटरली मैं 3 दिनों से नहीं सोया हूँ और अभी मेरा मतलब हालत बिल्कुल ख़राब है। मैं तो आधे नींद हूँ बट फिर भी मैंने एकदम नहा लिया है सुबह सुबह, और अभी सुबह के 6 बजे, और 6 बजे देखो मौसम कैसा है, अभी एकदम लाइट भी नहीं दिख रहा हो आप लोगों को, पूरा अंधेरा ही होगा मतलब। सो ठीक, अभी से 1 घंटे बाद हमारा ट्रेन है 7:25 से पटना जंक्शन से, तो फटाफट से घर से निकलते सबको हाई हेलो बाय करके। तो चलिए सीधा आपको मिलते हैं स्टेशन पे। फाइनली गाइस हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं एंड लिटरली बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मात्र 15 मिनट बाकी है ट्रेन खुलने में। एंड पीछे आप देख रहे हो अभी महावीर मंदिर का, और अभी हम पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन। तो पहले ट्रेन पे चढ़ते हैं फिर आपसे बात करते हैं। भाई मुझे तो लग रहा था कि मेरा ट्रेन ही यहाँ छूटने वाला है, बिकॉज मेरा पर्स ही नहीं मिल रहा था मुझे। तो लास्ट टाइम पर जाके पर्स मिला मुझे एंड भागते भागते आया बस स्टेशन में, भागते भागते बहुत दिक्कत हो रहा है। भाई हर बड़ी में ट्रेन पर तो चढ़ गया, बट मेरा सीट का ही पता नहीं है। मेरा सीट है M1 में 15 नंबर, और बहुत ही पीछे है वो, मतलब मैं स्लीपर क्लास में अभी, तो अभी ढूंढने में मेरे को लगता है आधा घंटा लगेगा मेरा सीट। हाँ जी भाई साहब, तो राइट नाउ वी आर इन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि यूपी में पड़ता है, एंड बहुत ही भयानक नींद आया था मुझे। सेब है, संतरा है, अमरूद है, बिना भी है वाला है। देख रहे हो भैया, 2-3 सेब संतरे लेके बेच रहे हैं। अभी का बाहर का सीन ये है, मैं तो बेकार ही इतना बड़ा जैकेट पहन के आ गया हूँ, इतना सा गर्मी लग रहा है ना कि हालत ख़राब है मेरा। भाई साहब आज पूरा दिन सो सो ही नहीं गया मेरा, बिकॉज 3 दिन से एक तो सोया नहीं था मैं, एंड इतना ज़्यादा नींद आ रहा है। मैं जब से पटना चढ़ा हूँ भाई, यूपी घुस गया, 5 बजे के लमसम में लखनऊ पहुँचेंगे। एंड पूरा चाउमीन मंगाया मैंने, बिकॉज खाना वाना तो ख़त्म हो गया था। भाई 40 रुपये का इतना सा चाउमीन दिया खाने का, पता इसमें इंसान। सो भाई ट्रेन अभी अमेठी जंक्शन पे रुकी है एंड यहाँ पे टोटल 4 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, एंड ये रहा स्टेशन का कुछ ऐसा सीन। एंड ट्रेन 1 घंटा 13 मिनट लेट है भाई, बहुत ही ज़्यादा ट्रेन लेट है अभी यहाँ। भाई सच में अब ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है, क्योंकि अभी हम लोग जया जंक्शन पे, कल जम्मू का यहाँ पे दिया हुआ है 11:30 टाइम था, 12:09 दिखा रहा है। अगर रात में फॉग वॉग भी हुआ तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा भाई, पनौती लग गया। हाँ जी भाई साहब, तो अभी फिलहाल हम लोग जयास जंक्शन, जो कि यूपी में पड़ता है, और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये सुंदर सा हिल स्टेशन वाला है, मतलब जंक्शन लग रहा है भाई देखने में ये। एंड ये स्टेशन का यहाँ पे ऐसा कुछ व्यू है, मतलब अच्छा लग रहा है। मतलब 10-15 मिनट से यहाँ पे गाय रुकी हुई है, अभी 5-10 मिनट और रुकेगी फिर यहाँ से खुलेगी, एंड फिर रायबरेली होके एंड फिर देन लखनऊ पहुँचेगी गाड़ी।
तो भाई मानना पड़ेगा। एंड गाइस ये चेक करें कितना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है भाई। फाइनली बॉयज लखनऊ में हम उतर चुके हैं अभी एंड ये रहा हमारा ट्रेन एंड यहाँ पे 15 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पे ड्राइवर भी चेंज होता है एंड उसके बाद यहाँ से जो रफ्तार पकड़ता है ट्रेन का बहुत ज़्यादा बढ़िया रफ्तार रहता है भाई। रात के बज रहे हैं 3 एंड हमारी ट्रेन पहुंची है हम मुरादाबाद एंड ट्रेन पूरे 4 घंटे लेट है भाई। दिमाग ख़राब हो गया हमारा एकदम। और इधर का टेम्परेचर धीरे धीरे लो हो रहा है, मतलब ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है इधर अब, और आगे जाके और भी ज़्यादा ठंड बढ़ने वाला है। क्या भैया कैसे हैं आप मेरे ब्लॉग में? हाँ जी भाई साहब गुड मॉर्निंग। तो ट्रेन अब 6 घंटे लेट हो चुकी है बिकॉज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है एंड देख रहे हो पूरा इधर फॉग भरा मिलेगा आपको आगे आउटर पे, इसलिए यहाँ पे ट्रेन 6 घंटे लेट चल रही है एंड जम्मू इसका टाइम दिखा रहा है 3:30-4 बजे के आसपास। तो भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रेन लेट हो गया, दिमाग ख़राब है। ऊपर से इधर का टेम्परेचर धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ रहे लो होते जा रहा है भाई, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है। अब समझ में आ रहा है भाई क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल अभी हमारी ट्रेन पहुँची हम बाला कैंट एंड अब जाके धूप हो गया थोड़ा। और भाई पीछे छोले कुलचे मिल रहे, छोले कुलचे खाते हैं। 1 भाई साहब तो फिलहाल अभी हम लोग हैं जलंधर कैंट पे एंड अभी बज रहा है 1:05 और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप पे जाएगा वो है पठानकोट का एंड यहाँ से जम्मू मेरे ख्याल से 4 बजे तक पहुँचाएगा, हमको लगता है जहाँ तक कि 4 बजे तक जम्मू पहुँचेगा। यार अपना ट्रेन और इधर का मौसम बहुत अच्छा है भाई, बस रात में 1 डिग्री पूरा गिर जाता है इधर, तो अभी तक तो सब कुछ सही है। और इसके बाद एक पुल आएगा, पुल के बाद नेटवर्क ख़त्म हो जाता है फोन में। उतर गया है भाई और इससे भी तगड़ा सीन एक रिवर क्रॉसिंग आता है, उसके बाद जो ट्रेन मुड़ता है ना बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। उसके बाद से हम लोगों का फ़ोन का नेटवर्क भी ख़त्म हो जाने वाला है। तो ये देखें हम और थोड़ी देर बाद पहाड़ भी आना चालू हो जाएंगे तो मज़ा आने वाला है भाई। हेलीपैड आपको दिख रहा होगा मेरे कल से, इस कैमरे में जूम तो कर नहीं सकते। अंडोरा नेशनल हाईवे और टोटल
क्या करते हैं। तो फाइनली वी आर इन जम्मू फ्रॉम हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है आज। अब तो फाइनली वी आर इन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन एंड अभी बज रहे हैं शाम के एक मिनट भाई, शाम के 5:30 बज रहे हैं भाई। मतलब 27 घंटे के रास्ते को इस ट्रेन ने पूरा किया है 37 या 36 घंटे के अंदर में। हालत ख़राब है भाई, बट यहाँ से भी कटरा जाना है। कटरा जाने के लिए आपको बस भी मिल जाता है आराम से। वहाँ पे टोकन कटवाना पड़ेगा आपको। आप छोटे गाड़ी से भी, इनोवा से भी जा सकते हो, छोटे मतलब व्हीकल से भी जा सकते हो या बस से भी जा सकते हो। बस का चार्जेस आई थिंक 80-90 रुपये रहता है एक तरफ से जाने का। एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भाई क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई। हालत बिल्कुल भी ख़राब है, मैं बोलने की हालत बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब होटल जाके आपको अच्छे से सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। भाई साहब तो अभी हम लोग सिम ले रहे हैं, सिम कार्ड ये रहा हमारा सिम कार्ड। तो हमें यहाँ नाके पे मिल गया। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल शर्मा भैया। अनिल शर्मा भैया हमारे ये मदद कर रहे हैं मेरा, एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे। फाइनली भाई हम आ चुके हैं कटरा में, एंड अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। तो बहुत ही कस के भूख लगा था, बिकॉज सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है भाई। तो अभी यहाँ गर्मा गर्म वहाँ पे खाना बन रहा है। ये भी होटल मशक्क़त से मतलब भी खुला हुआ है, तो होप सो सब कुछ हो गया। एंड रूम भी मिल गया, बहुत ही मुश्किल के बाद जाके एक रूम मिला है। रूम टूर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगा भाई। रूम का प्राइस आपके यहाँ पे 500 से स्टार्टिंग होता है, 400 से स्टार्टिंग होता है, 1500-2000 जैसा रूम खोजोगे वैसा आपको मतलब प्राइस पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ें हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में कैसे कैसे यहाँ पे सब कुछ क्या होता है नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा मैं। अब माता वैष्णो के दर्शन भी करवाऊंगा। तो भाई 27 घंटे के रास्ते को मैं 40 घंटे में पूरा करके आ रहा हूँ भाई। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, एकदम हालत ख़राब हो रखा है मेरा। एंड समझ नहीं आ रहा है भाई, मतलब ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोग को तो बस 10-15 मिनट ही ब्लॉग में देखने को मिलेगा, लेकिन जो मेरी 40 घंटे की मेहनत है। तो प्लीज़ वीडियो जरूर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेवल लाइफ लिव ए ड्रीम। बूम, गुड नाइट।